अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू महफूजा कुकिंग चैनल। आज हम जो है कोकोनट की चटनी जो है बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही जल्दी और झटपट सी बनने वाली है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। चलें, हम इसके लिए थोड़ी सी चीज़ों की ज़रूरत होगी जो कि मैं डालती जा रही हूँ और आपको बताती जाऊँगी। मैंने पैन को गर्म कर लिया है, जिसमें जो है मुझे थोड़ा सा पैन ऑयल चाहिए, 1 टेबल स्पून जो है ऑयल डालूंगी इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओनली 1 टेबल स्पून। अब देखें, मैंने इसमें 1 टेबल स्पून डाल दिया ऑयल को। इसमें जो है मैं ये 2-3 मिर्चे जो है रेड पेपर जो हैं सूखी, वो डाली हैं। इसको ज़रा सा मुझे गिलाना है। और 1 टी स्पून जो है मैंने ज़ीरा डाल दिया इसके अंदर। 1/2 टीस्पून जो है इसमें थाइम डाल दिया है, इसको ज़रा सा फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए। अब ये देख लिए मैंने डाल दिया, ये ज़रा सा हो जाता है, ज़्यादा नहीं पकाना। और फिर इसमें जो है मैं कोकोनट डाल दूँगी, जो कि मैं 1 कप यानी 6 चम्मच में डाल दूँगी 1 टेबल स्पून कोकोनट। ये इस बहुत ग्रेटेड कोकोनट जो बाज़ार में अवेलेबल है ईजीली, वो मैंने लिया हुआ है, वो इसमें डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 भर के डालना, 2, 3, ये 4, 5, ये 6 स्पून जो है मैं बाकी में 7 डाल देती हूँ, बहुत कम ज़्यादा, तो 6 स्पून भर के लगे इसमें डाले। और इसमें जो है मुझे 1 कप धनिया ये मैं डाल देंगे, मैंने साफ करके धो के रखा, ये इसमें धनिया चला गया। इसको मैं जल्दी से थोड़ा सा पका लूँगी, ज़्यादा नहीं पकाना इसको, ये जल ना जाए। और फिर इसमें जो है मैं ये हालोपीनियो मेरे पास है, 1 हालोपीनियो मैंने काट के रखी हुई है, वो इसमें डाल दूँगी। आप जो भी अपनी मर्ज़ी चाहे आप एनाहाइम चाहे तो एनाहाइम डाल दें, लेकिन मैं हालोपीनियो डालूँगी। देखिए, एक छोटी सी जो है हालोपीनियो साइज मिर्ची और पेपर है, वो मैंने काट के रखी हुई थी, वो डाल दी बस। ऐसे कुछ भी नहीं गया, सिर्फ थोड़ा सा थाइम, ज़ीरा और रेड पेपर जो है सूखी हुई, और 1 चम्मच स्पून ऑयल का डाला, और इसमें जो ये मैंने डाल दिया। उसमें मैं इसको जब सीधा सीधा ब्लेंडर में डाल दूँगी थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो, और इसमें मुझे थोड़ी सी ये इमली टैमरिन होती है, इसको मैंने भिगो के साफ करके रखा है, वो डालूँगी 2 चम्मच भर के। सॉल्ट डालूँगी और बस। मैं इसके चूल्हे को थोड़ा सा पकने के बाद बंद कर देती हूँ, ताकि ये हमारी जो है ज़रा सी ठंडी हो जाए, तो हम इसको जो है ब्लेंडर में डाल दें। ये झटपट सी चटनी है, इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ, सबके साथ मज़ा आता है खाने में। बंद कर दिया। अब जो मैं इसको डाल दूँगी, इसमें 2-4 चीज़ें डालूँगी खाली, इसमें मेरे ब्लेंडर में ये चला जाएगा। जब तक ये ज़रा सा ठंडा हो जाता है, मैं इसमें ये इमली का पल्प जो निकाल के रखा है वो डाल देती हूँ। ये मैंने 1 टेबल स्पून में डाल रही हूँ, 1, 2, 3 और ये 4। ये मज़े की चटनी हो जाएगी, 4 चम्मच ये हो गए। अब जो है इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, जो कि मैं 1/4 टीस्पून डालूँगी। अब अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। और इसमें जो है थोड़ा सा मैं भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर भी डालती हूँ, 1 टीस्पून डाल दिया मिला। बस ये चीज़ें डाली हैं, और अब ये हमारा ज़रा ठंडा हो जाता है, हम इसको देख लेते हैं। तो ये इसमें और इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये इसमें सारी हमारी चटनी का ये बैटर जो चला जाएगा।
इसको हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये ब्लेंड हो जाए अच्छी से। थोड़ा 1/4 कप पानी डाला है मैंने। ब्लेंड कर लेती हूँ, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ब्लेंडर में सारी चीजें डाल दी हैं और उसको ब्लेंड कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें डाल दी है। अब ये लास्ट पार्ट है, अब हम थोड़ा सा इसको तड़का लगा देंगे। ये चटनी देखिए आप, मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। ये सिर्फ हमें जो है 5 मिनट लगे हैं सब। अब जो है दो से तीन मिनट जो हमें इसको तड़का देने में लगेगी। इतनी झटपट ये चीज़ बनने वाली है। अगर आप जॉब पे जाते हैं तब भी ये जो है इस पर अपने साथ ले जाएँ, थोड़ा सा कुछ रख के इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और फ्रूट साथ में रख लिया, एक आध अंडा बॉयल कर लिया, पूरा लंच बन गया अच्छा सा। इसमें मैंने थ्री स्पून डाले क्योंकि मुझे तड़का लगाना है। तो 3 स्पून मेरे गए इसमें ऑयल के। इसमें मैं अगेन जो है सूखी जो है पेपर्स डालूँगी, 3 पेपर्स। और जो है इसमें जो है मैं थोड़ा सा ये क्रश किया हुआ लहसुन 1 स्पून डाल देती हूँ, जिससे इसकी खुशबू अच्छी आ जाएगी। और इसमें थोड़ी सी जो है मैं ये जिंजर डाल देती हूँ कटी हुई, जो कि इसके टेस्ट को बढ़ा देगी। और इसमें जो है थोड़ी सी प्याज भी डाल देंगे हम, 1 स्पून खाली टीस्पून डाल देंगे, ताकि ये ज़रा सी हमें टेस्ट में अच्छा लगे। इसको आँच को जो है इसको तेज़ कर देती हूँ ताकि जल्दी से थोड़ी सी लाइट कलर चेंज कर दे। हम इसको अपने इसमें तड़के में डाल दें, अपनी चटनी में डाल दें। चटनी आप देख सकते हैं, ये चटनी जो है मैंने इसमें आपके सामने कुछ भी नहीं डाला। इसमें कोकोनट पाउडर डाला है 1/2 कप, यानी 4 चम्मच जो है टोटल कोकोनट डाले हैं। और 1/2 कप जो मैंने धनिया का डाला है, 1 जो है पेपर डाली है हालोफिनी, और इसमें जो है नमक गया हुआ है, और इसमें कुछ भी मैंने नहीं डाला। और इमली डाली है, इमली मैंने 3 चम्मच डाले, 3 टेबल स्पून भर के डाले हैं क्योंकि मैं खट्टा बहुत खाती हूँ। और दूसरी बात है कि अभी मैं जो है एप्पल साइडर विनेगर जो है डालूँगी तड़के, तड़का डालने से पहले बस। और लेमन जूस जो मैं नहीं डालूँगी क्योंकि मैंने इमली दोनों डाले, लेकिन एप्पल साइडर विनेगर थोड़ा डालूँगी इसमें 1 चम्मच। वैसे ये हमारी चटनी तैयार हो गई। ज़रा सा पिंच ऑफ सॉल्ट में डाल देती हूँ ताकि मेरी प्याज जो है जल्दी से कलर चेंज कर देगी। और से ज़्यादा नहीं, मैंने जो चटनी को ज़रा सा टेस्ट किया, वो ज़्यादा नमक नहीं है, बिल्कुल सही है, मेरा ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो जाएगा इसमें। थोड़े से इलेक्ट्रिक के चूल्हे हैं ना हमारे, तो ज़रा सिरो चलते हैं, लेकिन अच्छा एक फिर ये रेडियन हीट है, और कोई हम बर्तन इसको यूज़ भी नहीं कर सकते। इसके स्पेशल बर्तन आते हैं, ये जो पार्ट जो है स्पेशल रेडियन हीट वाले, वही हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। ये बड़ी मज़े की चटनी है खाने में, खाई हुई बहुत अच्छी लगती है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, और इसको वैसे भी स्नैक के साथ भी अच्छा लगता है, और रोटी के साथ भी अच्छा लगेगा, पराठे के साथ भी अच्छा लगेगा। और उसको आप जॉब पे जाएं तब भी लेके जा सकते हैं अपनी रोटी में डाल करके, और इसमें कम से कम 1 अंडा बॉयल करके रख लें तो अच्छा हो जाएगा, अच्छा फूड बन जाएगा, सस्ता भी, जल्दी बनने वाला।
चले जी। उसको जो है अब मैं जो मेरी ऑलमोस्ट ये बिल्कुल रेड तो नहीं हुई लेकिन ऑलमोस्ट तैयार हो रही है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ। कितनी हमारी 3 मिनट्स हो गई ना, पहले चार मिनट लगी थी या 4 या 5 मिनट, तो जल्दी जल्दी बन गई नहीं है। थोड़ी सी आप लोगों के चूल्हे तेज़ होंगे तो आपको इससे भी जल्दी बन जाएगी, हमारा थोड़ा सा देर लगती है थोड़ी सी आप लोगों के चूल्हे से ज़्यादा। इसको ट्राई कीजिएगा, हाँ अच्छा लगे तो फिर मुझे मेरी रेसिपी को तो इसको ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो, या लाइक कर दीजिएगा और जो है शेयर भी कीजिएगा, अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। और बेल आइकन को दबाना प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको मेरी हर देखिए मैं जो है 1.5 स्पून एप्पल साइडर विनेगर के मैंने इसमें डाल दिया क्योंकि अब मेरा जो है ये तड़का रेडी हो रहा है, तो मैं इसमें ये पहले डाल दूँ। इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि अब खुशबू निकली, अब मैं इसको डाल देती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। चलिए ये मैंने इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ये तड़का इसमें चला गया, ये चटनी में ये हमारी मज़ेदार सी चटनी बन गई रेडी। इसको ज़रा सा मैं इसको मिला लेती हूँ, आप इसको देख सकते हैं कितनी अच्छी कितनी खूबसूरत लग रही है। चीज़ें भी ज़्यादा नहीं डली, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा, अफोर्डेबल भी ये बहुत है, आराम से आदमी खा भी सकता है और इसको जो है दो टाइम चार बंदे जो आराम से खा लें, कुछ और चीज़ एक छोटी सी सब्ज़ी रख लो तो 2 टाइम्स चल जाएगा ये चटनी। चलें जी आप इसको देख सकते हैं कि कितनी अच्छी मेरी चटनी बन गई है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर हम मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।